20 देखते हैं, कह रहा है कि किसी एपी के, है ना, एक ही एपी है, एम पदों का योग तथा एन पदों का योगफल का अनुपात एम स्क्वायर एन स्क्वायर है। चलिए चलिए, तो यहाँ से एम पदों यानी एस एम और एक का एस एन, इन दोनों का अनुपात जो है एम स्क्वायर बट्टा एन स्क्वायर है। तो साबित कीजिए कि एम और एन पद का अनुपात ये होगा। तो बहुत ही सिंपल है, इसको पहले तोड़िए, एम बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस क्या हो जाएगा एम माइनस वन इंटू डी, और दूसरा क्या होगा एन बाई टू ब्रैकेट के अंदर टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू, या एन है ना, एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, और बराबर में है एम स्क्वायर बट्टा में एन स्क्वायर। समझ में आया ना, यहाँ देखिए ए और डी दोनों जगह सामान्य इसलिए रखे ना, क्या कह रहा है किसी एपी में, तो कोई एक ही एपी है, दो अलग अलग एपियां नहीं है, यहाँ दो से दो कट जाएगा। एक काम करते हैं, ये एम बट्टा एन को इधर लाते हैं, तो बचेगा टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और नीचे बचेगा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर में एम स्क्वायर बट्टा में एन स्क्वायर गुना, देखिए एन जो भाग में ऊपर चला जाएगा और यहाँ जो गुना में इधर आ जाएगा भाग में, एक एम से एक एम कटेगा और एक एन से एक एन कट जाएगा। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको निकालना है क्या एमवा और एनवा पद का अनुपात, तो जिसका कहेगा उसके दो गुना से एक कम ना, तो यहाँ लिखेंगे कि एम के जगह टू एम माइनस क्या हो जाएगा वन, टू एम माइनस वन तथा एन के जगह, तथा एन के जगह, एन के जगह टू एन माइनस वन रखने पर, ठीक है ना, दो गुने से एक कम रखेंगे यहाँ पे, तो यहां से हो जाएगा टू ए प्लस टू एम माइनस वन माइनस वन, समझ रहे ना, एम के जगह ये आ गया। चलिए, और इंटू में डी बट्टा में उसी तरह से टू ए प्लस टू एन माइनस वन माइनस वन, एक माइनस वन पहले से है, इंटू डी बराबर में टू एम माइनस वन बट्टा में टू एन माइनस वन। देखिए यहाँ टू ए प्लस अंदर देखिए टू एम माइनस टू हो जाएगा इंटू में डी, और नीचे भी टू ए प्लस टू एन माइनस टू इंटू डी बराबर में क्या हो जाएगा टू एम माइनस वन और टू एन माइनस वन बट्टा में है। चलिए यहाँ से टू कॉमन करिए, ऊपर से भी नीचे से भी, ऊपर से कॉमन हो जाएगा तो अंदर बच जाएगा ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और नीचे से कॉमन हो जाएगा तो यहाँ भी टू कॉमन होगा तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर में टू एम माइनस वन और टू एन माइनस वन, टू से टू कट गया। अच्छा, ये तो फॉर्मूला हो गया एमवा पद के लिए, और नीचे वाला एनवा पद के लिए, तो एमवा पद और एनवा पद का अनुपात नहीं आ गया टू एम माइनस वन और अनुपात 2n-1, यही ना आपको प्रूफ करना था, आ गया क्वेश्चन नंबर।